hindustan.com में हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 67 वर्ष की उम्र में मंगलवार रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। रात में उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सुषमा स्वराज के निधन पर दुनिया भर से शोक जताया जा रहा है। आज बीजेपी से लेकर उनकी विरोधी तक सभी पार्टियों की तरफ से शोक जताया गया है। बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, रालोसपा सभी दलों के नेताओं ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया है। सुषमा स्वराज के निधन पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम ने कहा, बिहार से सुषमा स्वराज का गहरा नाता था। 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस के लिए मुजफ्फरपुर में उन्होंने लगातार प्रचार किया था। विदेश मंत्री रहते हुए विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने में उनकी अहम भूमिका रही है। ऐसी राजनेता थी कि सदैव देश के लिए काम करती रही। बिहार सरकार में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर दुख जताया है, तो दूसरी ओर आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि सुषमा जी का बिहार से पुराना रिश्ता रहा है। 1977 में मुजफ्फरपुर में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के लिए चुनाव प्रचार किया था, तब उनके भाषण की अद्भुत कला दुनिया के सामने आई थी। उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ था, तब उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिला था और वे वित्त मंत्री बनी थी। सुषमा जी ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने भी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी क्षति है, ऐसी क्षति जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। सुषमा जी हमेशा एक गार्जियन की तरह गाइड करती थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शोक जताते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रही श्रीमती सुषमा स्वराज के अचानक निधन की खबर अति दुखद है। वे काफी कुशल राजनीतिज्ञ व प्रशासक ही नहीं बल्कि एक अति मिलनसार महिला थी। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि दुखद श्रीमती सुषमा स्वराज जी का निधन अपुण्य क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिजनों को शक्ति दे। कुशल नेतृत्व एवं उत्कर्ष कार्य कुशलता के लिए सुषमा जी हमेशा स्मरणीय रहेंगी। शत शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। सुषमा स्वराज के परिजनों से बात करते हुए राम गोपाल यादव भी भावुक हो गए और सुषमा जी के पार्टी की तरफ से भी शोक जताया गया और उसके अलावा विरोधी पार्टियों की तरफ से भी शोक जताया गया है और सभी को सुषमा स्वराज के निधन पर दुख है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।